फ्रेंड युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में HTML कोडिंग के जो बेसिक टैग होते हैं उन टैग के बारे में जानकारी लेंगे और जो आपका HTML भाषा के द्वारा वेब पेज बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कहां पे बनाया जाता है और कहां पे जाकर के हम HTML वेब पेज को देखेंगे, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब आप HTML कोडिंग करते हो तो HTML कोडिंग के लिए आपको कुछ बेसिक टैग होते हैं। क्या होते हैं आपके? कुछ टैग होते हैं, है ना। जो भी टैग होते हैं, टैग के द्वारा ही आपका क्या होता है, HTML में वेब पेज बनाया जाता है। वेब पेज बनाया जाता है तो कौन कौन से टैग होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, किसके लिए? फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। तो वो टैग आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको वीडियो में HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको MP पटवारी से रिलेटेड जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो CPCT होता है आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट, इसके लिए भी मैंने थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों के क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। इसके साथ साथ DCA और PGDCA के भी मैं YouTube में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो जो हमारा दोस्तों वो है HTML टैग के ऊपर की HTML टैग कौन कौन से होते हैं और आज मैं इस वीडियो में बेसिक टैग बताऊंगा और बेसिक वेब पेज, आप एक छोटा सा वेब पेज कैसे तैयार करोगे, वो वेब पेज तैयार करना मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा हमारा वो प्रैक्टिकल में रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर में वेब पेज बनाना बताऊंगा कोडिंग के तहत। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले हम जो HTML होता है, क्या होता है आपका, HTML भाषा होती है, HTML भाषा का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि HTML भाषा का जो आप स्ट्रक्चर देते हो वो किस में देना है। दोस्तों आपको नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में अपन लिखते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं वो किस में करेंगे, नोटपैड में करेंगे। नोटपैड ओपन करना है और बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर रहता है क्या रहता है दोस्तों, टैग, टैग के अंदर आपको HTML लिखना है। HTML टैग क्या होता है दोस्तों, अंत, शुरू में और अंत में लगाया जाता है कोडिंग के। HTML के बाद आपको हेड टैग लगाया जाता है, हेड के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइटल टैग लगता है। क्या लगता है? टाइटल टैग लगता है, टाइटल टैग। टाइटल टैग में आपको यहाँ पर टाइटल देना होता है और टाइटल देने के बाद टाइटल टैग को बंद भी करना होता है। तो आपको इस तरह से टाइटल टैग को बंद कर देना है और टाइटल टैग के बाद आपका दोस्तों हेड टैग बंद हो जाता है। क्या होता है? हेड टैग बंद। बंद करने के लिए आपको इस स्लैश का चिन्ह का यूज करना है। फिर आपका हेड के बाद दोस्तों बॉडी चालू होता है। क्या होता है? बॉडी टैग चालू होता है और बॉडी टैग में ही सारा कुछ आपके जो सभी टैग रहते हैं दोस्तों वो सभी टैग आपको बॉडी टैग के अंदर ही यूज करना है और यहाँ पर सारे टैग यूज करके बॉडी को बंद करना होता है और लास्ट में HTML टैग को भी बंद करना होता है। ये आपका बेसिक यहाँ पे जो है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर है आपका HTML कोडिंग का और इसके बाद इसको सेव करना होता है। आपको क्या करना होता है? सेव करना होता है, जैसे आपका जाएगा .html एक्सटेंशन कोड के तहत, HTML कोड के तहत आपको सेव करना होता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो और इसको फिर देखने के लिए आपको किसका यूज करना है, गूगल क्रोम का या वेब ब्राउजर का, किसका? वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर का आप यूज कर सकते हैं इसको देखने के लिए। ये आपका बेसिक सिंटैक्स है जिसको बोला जाता है या बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज बनाने का दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक टैग बता रहा हूं कि जैसे आप
एक वेब पेज बनाते हो, जब इंटरनेट ओपन करते हो तो इंटरनेट के बाद आपको जो पहला पेज खुलता है इसको दोस्तों वेब पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? वेब पेज, या पहले पृष्ठ को होम पेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज। तो इस पृष्ठ को तैयार करने के लिए आपको ये बेसिक टैग लगाने होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ लाना चाहते हो, मान लो आपने यहाँ पर हेलो लाना चाहते हो। क्या? हेलो। क्या लाना चाहते हो? हेलो। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हेलो लाने के लिए आपको बॉडी में यहाँ पर हेलो लिखना है। क्या? हेलो या नमस्कार। और इसको सेव कर देना है .html एक्सटेंशन कोड के तहत, तो आपका यहाँ पर वेब पेज बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर हेलो लिख करके सेव कर दोगे और गूगल क्रोम या वेब ब्राउजर में खोलोगे तो आपको इस तरह का वेब पेज एक बन के आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है हेलो वर्ड वाला। अब दोस्तों इसके बाद यदि आप इसमें क्या लगाना चाहते हो, ये थोड़ी सा हल्का क्या हो जाए, मोटा मतलब बोल्ड हो जाए। क्या हो जाए? बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बोल्ड का टैग लगा देना है। बोल्ड के लिए दोस्तों टैग लगता है बी। क्या लगता है? बोल्ड के लिए बी टैग लगता है। और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, हेलो लिख देना है। क्या लिख देना है? हेलो। और बोल्ड यहाँ पर बंद कर देना है। तो इस तरह से फिर क्या करना है आपको, सेव कर देना है। तो ये आपका जो हेलो है ये बोल्ड हो जाएगा, हल्का मोटे में दिखेगा, मोटा हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा और भी टैग होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको जो मैं आगे HTML की कोडिंग और आगे चलकर CSS और JavaScript की भी कोडिंग बताऊंगा जो आपके DC और PGDCA एग्जाम में पूछी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नई नई वीडियो का। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने बोल्ड लगाया, बोल्ड के बाद आपका इटैलिक्स के लिए आई टैग लगता है। दोस्तों आई टैग क्या होता है, दोस्तों जो टैग आप लगाते हो उसको बंद भी करना है। तो आई यहाँ पे क्या जाएगा आपका, टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर इटैलिक्स को बंद कर देना है। फिर अंडरलाइन भी लगाया जाता है, जैसे आपको किसी वेब पेज है, वेब पेज में जो वर्ड हैं आपके वहां पे क्या अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जाएगा, यू टैग आ जाएगा। और यू टैग इसके बाद यहां पे आपका जो टेस्ट रहेगा वो पूरा टेस्ट यहां पर लिखना है, और इसके बाद लास्ट में यू को बंद कर देना है। फिर दोस्तों आपका जैसे इटैलिक्स के बाद आ जाएगा, जैसे हेडिंग डालना चाहते हैं आप कहीं, तो उसके लिए H1 होता है। क्या? हेडिंग के लिए H1। और यहाँ पे आपको टेस्ट लिखना है। क्या लिखना है? टेस्ट। और हेडिंग को फिर बंद भी करना है। दोस्तों जितने भी टैग आप लगाओगे उनको बंद करना है। फिर आ जाएगा आपका जैसे हेडिंग हो गया, आप एक से अधिक हेडिंग लगाना चाहते हो तो H1 H2 करके आप ऐसे लगा सकते हो और उनको बंद करते जाना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट टैग आ जाएगा जो है आपका, जैसे आप पैराग्राफ यहाँ पर बॉडी हेलो के बाद कोई यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ, जैसे आपका कोई वेब पेज है यहाँ पर, ये आपका मान लो यहाँ पर वेब पेज है, तो वेब पेज में आप क्या यहाँ पर हेलो लिख करके और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लाना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ पर बॉडी टैग में बी लगा दिया और हेलो लगा दिया तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगेगा। क्या? यहाँ पर आपका पैराग्राफ का टैग लग जाएगा और यहाँ पर पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हो और लास्ट में क्या पैराग्राफ बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट और पैराग्राफ। दोस्तों ये होते हैं आपके यहाँ पर बेसिक टैग। फिर आपका आ जाएगा जैसे आप यहाँ पर कुछ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप H2O लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर H मैं जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट है, और यदि मैंने बोला CO3 लिखना चाहते हैं तो 3 क्या है, सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो आपको इस तरह के टैग भी लगाने होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको आ जाएगा दोस्तों सब SUB, सब का टैग लगाना है। दोस्तों इसके पहले क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में लगाने के लिए आपको यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का टैग आ जाएगा। सब मतलब जैसे आपका आ जाएगा टेस्ट यहाँ पे और सब को बंद करना है। और इसके पहले दोस्तों जैसे आपका क्या है,
ये एच है तो एच आपका यहां पर आ जाएगा, इसके पहले भी टैश लगाना है। ऐसे ही आपका दोस्तों लग जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का, तो एस यू बी एस यू पी आ जाएगा यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पे जैसे सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको एच टू लगाना है तो एच यहाँ पर आ जाएगा आपका, और टू यहाँ पर, और एस यू पी यहाँ पर बंद कर देना है। बॉडी में ही लगेंगे ये सारे टैग, आपको यहाँ पर बॉडी में ही लगाए जाते हैं। फिर आपका आ जाएगा दोस्तों आगे जो है आपका, जैसे अब आपका वेब पेज है, वेब पेज में आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर कलर लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो, कलर लगाना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर। तो दोस्तों इसके लिए भी बॉडी में यहाँ पर टैग लगाया जाता है। वो टैग क्या होता है आपका, यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये टैग मैं यहाँ पर थोड़ी सा मिटाता हूँ। अब आते हैं हम कुछ थोड़ी से एडवांस तरीके के जो टैग हैं आपके यहाँ पर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो वेब पेज है, वेब पेज में बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कलर लगाना चाहते हैं। तो कलर के लिए दोस्तों यहाँ पर भी बॉडी में, यहाँ पर जो आपका ये कोडिंग है, बॉडी है ना, स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर सभी के लिए रहेगा बॉडी। तो यहाँ पे आपको बीजी कलर लगाना है, क्या लगाना है, बीजी कलर। दोस्तों बॉडी टैग में यहाँ पर क्या लगेगा आपका, बॉडी, और यहाँ पे लग जाएगा बीजी कलर, क्या लग जाएगा, कलर, कलर इक्वल ये कोटेशन मार्क। दोस्तों ये शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, नहीं तो आपका कोडिंग मिस्टेक हो जाएगा। बीजी कलर, और यहाँ पे कलर का नाम देना है, जैसे मैंने बोल दिया बैकग्राउंड में मेरा रेड कलर आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड क्या आना चाहिए आपका, रेड, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर आपका रेड तो आ गया। अब इसमें आप कोई टेस्ट कलर भी लगाना चाहते हो, क्या, टेस्ट कलर, तो इसके बाद आपको क्या जाएगा, टेस्ट है ना, और क्या जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर इक्वल, जैसे आप व्हाइट कलर लगाना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू एच आई टी व्हाइट कोटेशन मार्क के अंदर, और ये वाला टैग आपको लगा देना है। कहाँ पे लगाना है दोस्तों, ये यहाँ पे लगाना है, ये बॉडी हट जाएगा। और जो भी आपका जाएगा नीचे, जैसे आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो कुछ भी लगाना चाहते हो, जैसे हेडिंग लगाना चाहते हो, इसके बाद पैराग्राफ लगाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये है ना। तो जो भी कलर आपका बॉडी में आएगा वो किस में आएगा, रेड में आएगा, और जो पीछे पेज का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रेड रहेगा आपका। तो ये होता है बॉडी कलर लगाने के लिए दोस्तों। अब आता है हमारा अगला टैग आ जाएगा, अगला टैग आ जाएगा हमारा, जैसे दोस्तों अब हम फॉन्ट साइज का, जैसे हमारा वेब पेज हम क्रिएट करते हैं तो उसमें फॉन्ट भी लगाना चाहते हैं। फॉन्ट मतलब जैसे लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट में साइज लगाना चाहते हो, फॉन्ट में कलर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉन्ट फेस का टैग होता है, जो आपका हेड और यहाँ पर बॉडी के बाद यहाँ पर लगा दिया जाता है फॉन्ट फेस, क्या, फॉन्ट फेस एफ ए सी आएगा इक्वल। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका लैंग्वेज की, कौन सा लैंग्वेज आप बॉडी के अंदर यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर मैं एरियल लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ, एरियल, क्या, एरियल, तो आपको कोटेशन मार्क के अंदर एरियल लिखना है इक्वल। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों साइज आ जाएगा कि आप फॉन्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं, क्या, साइज, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साइज। जैसे मैंने बोला यहाँ पर दोस्तों 15 फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ। उसके बाद इसका कलर क्या रखना चाहता हूँ, तो कलर आ जाएगा इक्वल, जैसे मैंने बोल दिया रेड कलर में फॉन्ट का रखना चाहता हूँ कोटेशन मार्क, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, ये आपको टैग बंद कर देना है। और इसके बाद आपको क्या देना है, नीचे यहाँ पर टेस्ट लिखना है, जो जिसमें आप ये चीज अप्लाई करना चाहते हो, वो टेस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, टेस्ट लिखना है। और इसके बाद आपका फॉन्ट बंद हो जाएगा, फॉन्ट का टैग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपको सेव कर देना है। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पर लिखा है वो क्या हो जाएगा, ये वाली फॉन्ट आपकी, ये एरिया लैंग्वेज लग के आएगी, फॉन्ट साइज उसका 15 रहेगा, और जो फॉन्ट का कलर रहेगा वो रेड रहेगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इमेज का टैग। दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको,
नेक्स्ट टैग आ जाएगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट टैग आ जाएगा। अब जैसे आप वेब पेज में इमेज लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, इमेज लाना चाहते हैं, तो इमेज के लिए बॉडी के अंदर कौन सा टैग लगेगा वो टैग यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो जैसे दोस्तों आप इमेज लाना चाहते हैं तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, इमेज का पूरा पाथ मालूम होना चाहिए कि इमेज का नाम क्या है प्लस एक्सटेंशन कोड सहित। तो आपको क्या करना, पेंटिंग से आप इमेज भी बना सकते हो और वो इमेज आप वेब पेज में क्रिएट कर सकते हो, ला सकते हो। तो उसके लिए क्या कौन सा टैग लगता है इमेज के लिए, तो इमेज के लिए दोस्तों लगता है यहाँ पर IMG, क्या लगता है IMG SRC, क्या लगता है SRC, और यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल कोटेशन मार्क इमेज का नाम आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों इमेज का नाम IMAG, इमेज नेम, इमेज का नाम देना है आपको विथ एक्सटेंशन कोड सहित, क्या एक्सटेंशन कोड सहित, कोड सहित देना है आपको, ठीक है। और आपको क्या कर देना है यहाँ पर ये वाला टैग, आपको यहाँ पर कोटेशन मार्क बंद करना है और ये वाला टैग दे देना है। इतना सिंपल टैग है ये इमेज लाने के लिए, ये भी आपको बॉडी टैग के अंदर लगेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका दोस्तों हाइपरलिंक। जैसे आप एमएस वर्ड में हाइपरलिंक लगाया होगा, किसी एक वर्ड में कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आपको हाइपरलिंक का टैग लगेगा HTML वेब पेज बनाने के लिए। तो वो टैग कैसा लगाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो आपका टैग जो लगता है दोस्तों वो होता है ahrefs का, क्या ahrefs का टैग लगता है। और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इक्वल, इक्वल के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है, क्या लिखना है फाइल नेम, फाइल नेम दोस्तों, ये भी आपका फाइल नेम एक्सटेंशन कोड के सहित रहेगा, किसके साथ एक्सटेंशन कोड, कोड के सहित। जैसे आप .html वाला यहाँ पर लिख सकते हो, एग्जांपल आपका मैं दे देता हूँ, जैसे ram.html, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कोटेशन मार्क बंद करना है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर वो टेस्ट लिखना है, क्या करना है वो टेस्ट लिखना है, जिस टेस्ट में आप ये फाइल अटैच करना चाहते हैं वो टेस्ट यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आपको ए का टैग यहाँ पर बंद करना होता है, ए का टैग बंद कर देना है, और इसके बाद आपको क्या कर देना है दोस्तों यहाँ पर सेव कर देना है, क्या कर देना है सेव कर देना है। तो आपका जो है यहाँ पर हाइपर लिंक में जो टेस्ट यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पर टेस्ट आ जाएगा, इसमें क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी जो फाइल आपने लगाया है। दोस्तों यहाँ आज के लिए इतने टैग हमने काफी आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल फिजिकली रूप से आपको वेब पेज बनाना कंप्यूटर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन चालू करना है आपको, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।